नमस्कार, आज है 6 मार्च और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी हमारे एक मित्र जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, दिग्विजय नाम है उनका, दिग्विजय राणा, वो खुद स्वयं चित्रकार हैं और उन्होंने YouTube के माध्यम से कमेंट के माध्यम से, मैंने जैसे कल कहा था कि आप लोग जहाँ से हैं देखते रहें, शेयर करते रहें, तो कुछ व्यूअर्स ने अपना परिचय उसमें छोड़ा। दिग्विजय भाई ने इंस्टाग्राम पे संपर्क किया और उनका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ऐसे इस तरीके से अगर संवाद करके ज़रिए हम जुड़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नए व्यूअर्स को मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें और जुड़ते रहिए, फिर मिलेंगे। अभी हमारे साथ दो मेहमान हैं, हर्षिता और प्रार्थना। ये प्रार्थना ने कल मुझे इसमें कमेंट किया था तो आज वो खुद यहाँ स्टूडियो में हाजिर हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका काम देखें, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सही है। तो बस हम सभी व्यूअर्स से कहना चाहेंगे, जो भी बड़ौदा में हैं वो आके स्टूडियो में देख सकते हैं, तो ज़रूर आइए। तो बस मेहमानों के साथ साथ अभी उनको बातचीत करके हमें काम पे लगने की ज़रूरत है। तो इस तरह से विजिटर्स जो हैं वो लगभग रोज़ बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपने तरीके से देखते हैं, अपने तरीके से काम करते, काम को समझने की कोशिश करते हैं। और प्रार्थना जो है वो खुद भी काम करती है, पेंटिंग्स करती है, तो इस तरह से काम के साथ संवाद जब लोग आके देखते हैं तो उसका भी एक फ़र्क पड़ता है, उनको भी समझ में आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करते हैं, तो उनके डिस्कशन को भी भली भांति सुन के उस तरीके से उनके बातों को भी जो हम कर रहे हैं वो कैसे वो चीज़ों को समझे, तो उनके तरीके से ही हम उनको इन कामों के विषय में बताते हैं। तो ये भी एक अद्भुत अनुभव है। सबके जीवन के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं और मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस ही आप पेंट करते हैं और यही अनुभवों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन के कार्यकलापों को व अपने जीवन में होने वाले गतिविधियों को आप इस तरीके से करते हैं व जो पेंट हम करते हैं वो सब एक तरह से गतिविधियां ही होती हैं, मेमोरीज होती हैं जो हम अनकॉन्शियस माइंड से उसको रिस्टोर करके रखते हैं। फिर जब हम चित्र बनाते हैं तो उन फॉर्म्स के ज़रिए, उन चित्रों के ज़रिए, उन रेखाओं के ज़रिए उसको अंकन करने की कोशिश बस करते हैं और मुझे लगता है कि वो अपने आप वो होता जाता है। और ये कोई ऐसी बड़ा विषय नहीं है, जो चीज़ हम करते हैं वो हम कहीं ना कहीं देखे हुए होते हैं, बस उसका जो आने का, व्यक्त होने का तरीका है वो डिफरेंट होता है और इसको व्यक्त करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता है, स्वयं होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो बस बातचीत के साथ साथ मैं अपने काम को जिस तरीके से करना है मैं उसको करने जा शुरू करके रखा है, चल ही रहा है वो चीज़ें और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है कोई स्टूडियो में आता है, क्योंकि ये चीज़ें आप कॉलेज में सीख लेते हैं, आपके आजू बाजू में 10-15 लोग और काम कर रहे होते हैं, व्यूअर्स आते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो मुझे उन लोगों से मुझे कोई असुविधा नहीं होती है। इवन अच्छा लगता है कि लोग आजू बाजू में देखें काम करते समय या उन वो चीज़ों प्रोसेस को देखें, वो जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये कला और ये सारी चीज़ें ऐसा होता है कि आप जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा आपको और इसका ज्ञान होता है। तो अगर प्रोसेस कोई समझना चाहता है तो उसके लिए अभी मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला हूँ यहीं स्पेस में ही, तो अवश्य जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग कमेंट्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, इवन इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सिर्फ बड़ौदा के मित्रों के लिए है, इवन जो अहमदाबाद से या आसपास के शहर से भी जुड़ना चाहते हैं, एक दिन का वर्कशॉप होगा सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। अभी वो जैसे ही डेट डिसाइड होता है हम इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे इसको ये करेंगे। वो प्री रजिस्ट्रेशन रहेगा, आपको रजिस्टर्ड करना होगा पहले ही, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होंगी, तो इसीलिए ये जो तरीका है ये कहीं नहीं होता, ये सिर्फ मैंने ढूंढ निकाला है। तो
इसका एक अलग मज़ा आएगा आप लोगों को सीखने में। तो बस काम के साथ साथ अब थोड़े गप्पे चल रहे हैं, और गप्पों में भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जैसे कई बार हम डिस्कस करते हैं कि किस आर्टिस्ट का काम देखना चाहिए या किस आर्टिस्ट को कैसे वो इस प्लेटफॉर्म तक आए, तो उसके लिए मेरे जो यूट्यूब इसमें हैं, जो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे आर्टिस्टों की लाइफ स्टोरी है, उनकी जर्नी है, उनके काम के बारे में है। गणेश गोहिंदा का भी एक एग्जीबिशन है 9 तारीख को, उनके काम के विषय में, उनके जीवन के विषय में मेरे इसमें 7-8 एपिसोड हैं। तो जो भी मित्र चाहें वो उनके काम के विषय में जानना चाहें वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उससे एक अभी जैसे एग्जीबिशन में उनके काम देखने को जो मिलेंगे वो भी एक अलग स्तर पर होगा, तो उनको समझने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम रहेगा कि अगर उनके इंटरव्यूज़ देख लें, सिर्फ चलते चलते हेडफोन लगा के सुन भी ले तो वो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। तो ये सब चीज़ें हैं। हमारी एक सीनियर आई हुई हैं, वो कैलिफोर्निया में रहती हैं, वो कुछ काम देखना चाह रही थी, तो मैंने उनको दिखाया वो फुटेज में, इस कैमरे में नहीं दिख रही हैं, पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल के बड़ा अच्छा लगता है, नए नए सारे सभी लोग आते रहते हैं, उनसे डिस्कस करके बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें ये होनी चाहिए, और कला का जीवन जब आपने चुना है तो आपने बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने का भी एक वचनबद्ध हुए हैं कि आपको धीरे धीरे लोगों से जुड़ना ही पड़ेगा, या लोग आपसे जुड़े या आप लोगों से जुड़े, ये दोनों में ही समानताएं हैं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको जानते हैं पर आप उन्हें नहीं जानते हैं, तो अगर साक्षात रूप में मिलते हैं ऐसे सामने तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो कई सारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी हैं जो भी आते रहते हैं, वो आके देखते हैं, इवन वो लोग समझने की कोशिश करते हैं ये मीडियम को, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत नया मीडियम है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नया मीडियम है, तो जानने की कोशिश हर कोई करता है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस मैंने कई बार वीडियो में डाला है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें, दूसरों से शेयर करें इन वीडियोज़ को, क्योंकि ये लगभग इस रेसिडेंसी के 100 या 120 एपिसोड जितने 100 एपिसोड तो होंगे ही होंगे। आप लोगों को मज़ा आएगा कि स्पेस स्टूडियो में इतने दिन मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें अपडेट इसमें ज़रूर मिलेगा, और जब भी ऐसे रेसिडेंसीज में जाऊंगा कहीं और तो उसके अपडेट्स भी मैं इस तरीके से डालता रहूंगा। तो बस प्रे करते रहें कि इस तरह की चीज़ें अपॉर्चुनिटी सभी के जीवन में आते रहे, और भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिले, क्योंकि ये एक जो आप देख रहे हैं ये सामने हैंग किया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंसी इसमें एक अलग तरीके की ट्रांसपेरेंसी है जो आपको दिख रहा है। तो कई जगह मैं इसको कोशिश करूँगा कि इस तरीके से और एक्सप्लोर करने की और उसको आगे बढ़ाने की, और अभी जो काम को मैं एक लाइन अप करके मैं काम करता जाता हूँ, उसको एक विषय वस्तु जो होता है वो उस तरीके से मैं रोज़ दिन प्रतिदिन मैं रखता जाता हूँ। तो ये अनुभव ही हैं जो हम चित्रों के माध्यम से, लाइंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो अभी जो लाइंस हैं वो उस तरीके से रैंडमली या एक तरीके से लयबद्ध तरीके से मैं उसको रखता जाता हूँ, वो आप सभी ने पहले के कामों में भी देखा है। तो अब काम हुआ यहाँ ख़त्म, और रीटेक मस्ती हो जाए। तो ये देखिए, ये लड़का काम कर रहा है डिजिटल से जगह फिजिकल काम कर रहा है, आज पहली बार दिखा। वाव, तो उसको आप कैसे हैंग करने वाले हैं? फिर ब्रो ब्रो वो दिमाग से पहुंचा, दिमाग से दिमाग से पहुंचा है बच्चा।
अभी हम हैं गार्गी के स्टूडियो पे। गार्गी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बोलिए ना। नहीं, ऐसे नहीं बोलिए ना, लड़का काम कर रहा है बस। हाँ, पहली बार देखिए, ये है वो लड़का, ये ही है वो लड़का जो पहली बार कुछ चढ़ के अपना नाम लगा रहे फॉर अ चेंज, कुछ मेहनत कर रहा है। ले टेढ़ा। अरे क्या लगा रहे तुझे पौने सात और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यार देते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। फिर मिलेंगे कल। बाय बाय। प्यार देते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स ज़रूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलते हैं।